श्रीलंका कोलंबो Thank you. Been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Singapore. Where did you come from, Cotton Eye Joe?
315 जहाँ हम ठहरे हैं सिंगापुर में आज 26 दिसंबर क्रिसमस के एक दिन बाद। लेट्स सी अंदर रूम में कौन कौन है। यादव जी हैं, काफ़ी भारी भारी कम सामान लेके आए हैं, पूरी ट्रिप की तैयारी में आए थे। थैंक्स टू योगी, ये योगी के कारण रूम हमें मिल पाया। आपकी ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद कर रहा हूँ। नाइस टू मीट यू। सिंगापुर की खासियत ये है कि बड़ा शांत शहर लगा अभी तक। हम ऑफिस टाइम में एंटर किए और लेकिन अभी तक बहुत शांत लगा है। हम इतने थक गए हैं। हमारे यादव जी जो हैं सुबह से बोझ उठा उठा के घूम रहे हैं। पहले सिर्फ एक कैमरा लेकर घूम रहे थे, मगर इनको जब बोझ उठाना पड़ा तो इनको पता चला हमारे यादव जी ने एक चम्मच चुराया। I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cardinal Joe? But I've been for Cardinal Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cardinal Joe? Singapore. 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 अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में हैं और यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही मखमली और बहुत ही बढ़िया सड़कें हैं। बहुत बढ़िया। और अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं जीता जागता सिंगापुर, जो कुछ ही वर्षों में इतना इम्प्रूव्ड हो गया है कि दिल्ली को अभी सिंगापुर बनने में कम से कम 50 साल है। को अभी सिंगापुर बनने में कम से कम 50 साल है। जहाँ पर हमें जाना है वो ही बस अवेलेबल नहीं है। बहुत बढ़िया। एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगापुर आए तो आपको बसेस के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। मेरे पीछे बिल्डिंग्स दिख रही है, बड़ी बड़ी वाली बिल्डिंग्स है। ऊपर आने के बाद क्योंकि बहुत ही अच्छा सा माहौल होगा और आपको क्या लगता है हम इंजॉय कर पाएंगे। मैं अभी बीच रोड जाना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। दिल्ली को अभी सिंगापुर बनने में कम से कम 50 साल है।
अच्छा वेदर इंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली को अभी सिंगापुर बनने में कम से कम 50 साल है। मुझे लगता है कि सिंगापुर में आ गए, मैं इसको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, इस शेर को, इस शेर को, इस वाले शेर को, और ये मुझे अभी मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके का शेर है। और जैसा कि आपको लग रहा है कि सिंगापुर में आकर हमें इस तरीके के शेर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, और खुशी की बात है कि बहुत खुशी है हमारे में, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। हर वो चीज़ मिलती है जो इंडिया में मिलती है। आइए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बढ़िया, लिटल इंडिया हमारे साथ, लिटल इंडिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सारे साउथ इंडियंस जो हैं, मैक्सिमम उनकी दुकानें हैं, और यहाँ पर आपको इंडिया का फूड भी मिलेगा। आपका जो खाने का मन करता है वो खा सकते हैं, जैसे डोसा, सांभर, वड़ा, इडली। देखते हैं हम लोग हमें क्या मिलता है खाने के लिए।